दोस्तों स्वागत है आज के एक नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों आज फुल रिव्यू करेंगे आइशर 551 फाइव स्टार सुपर प्लस। दोस्तों 551 जो ना दो मॉडल में आता है, एक आता है सुपर प्लस में और एक आता है सिंपल 551। तो दोस्तों इनमें चेंजेस क्या है दोनों ट्रैक्टरों में, वो भी सारी चीज़ें बताऊँगा मैं आपको और दोनों में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। दोस्तों पहले शुरुआत करते हैं 551 जो अपना सुपर प्लस वाला है। दोस्तों इसमें जो ना आपको मेन चीज़ तो ये है, इंजन तो आपको इसमें सेम मिलता है 3300 cc का, 108 का बोर मिलता है और 120 का मिलता है इसमें आपको स्ट्रोक। ये दोस्तों ये आता है 55 hp कैटेगरी में, लेकिन जो सिंपल 551 है वो आता है 50 hp कैटेगरी में। इसमें आपको फ्रंट टायर मिलते हैं 7/50/16 के और रियर मिलते हैं इसमें आपको 16/28 के, लेकिन जो सिंपल 551 है उसमें आपको दोस्तों 14/28 के टायर मिलते हैं, सुपर प्लस में मिलते हैं आपको 16/28 के। दोस्तों स्टार्टिंग करते हैं ट्रैक्टर के रिव्यू से, फ्रंट से रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों फ्रंट हिस्सा जो ना आपको इसमें वही मिलता है जो 557 या 650 में आता है। फ्रंट में आपको 100 kg का बम्पर हो गया। दोस्तों नॉन एडजस्टेबल वाला फ्रंट एक्सल आता है इसमें दोस्तों, जो कि काफ़ी हैवी है, लोडर बैकफो लोडर सब चीज़ के लिए परफेक्ट है। और दोस्तों पावर स्टेयरिंग है ना दोस्तों काफ़ी अच्छा है, डुअल एक्टिंग वाला पावर स्टेयरिंग है। लेकिन दोस्तों जो इसकी ये रोड है ना टाई रोड जो है ये दोस्तों अपने जो अपने पास 557 से थोड़ा हल्की कर दी गई है, वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। इंजन दोस्तों इंजन की बात करें तो 3300 cc का इसमें आपको इंजन मिलता है, बोर स्ट्रोक 108 का बोर है mm का और 120 mm का है इसमें आपको स्ट्रोक। और दोस्तों इधर जो ना आपको टैंडम पंप मिलता है, एक पंप मिलता है इसमें आपको हाइड्रोलिक का और एक मिलता है पावर स्टीयरिंग का। यहाँ पे आपको स्टेनर मिलता है जो ऑयल स्टेनर है और यहाँ पे मिलता है आपको हाइड्रोलिक फिल्टर। ये दोस्तों इसमें आपको स्पार्क मिंडा का सेल्फ मिलता है और मिलता है यहाँ पे स्पार्क मिंडा का अल्टरनेटर 12 वोल्ट के, दोनों चीज़ 12 वोल्ट के हैं। और दोस्तों इधर आपको अपनी 80 एम्पीयर की बैटरी मिलती है। दोस्तों इंजन जो ना अपना वो ये 3 सिलेंडर वाला इसमें आपको इंजन मिलता है आइशर 551 5 स्टार। दोस्तों यहाँ पे मिलते हैं आपको अपने दो डीजल फिल्टर मिलते हैं, यहाँ पे मिलता है वाटर सेपरेटर, ये देख सकते हैं आप दोस्तों 3 सिलेंडर वाला इंजन है अपना ये 551 5 स्टार और ऊपर मिलती है आपको इसमें पावर स्टीयरिंग की बैजिंग। और दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं 12 क्लच की आपको इसमें बैजिंग मिलती है। दोस्तों इसकी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर हम बात करें इसकी इंजन से आगे हिस्से की दोस्तों, वो तो इसमें आपको 557 वाला इंजन हो गया, पूरा फ्रंट हाउसिंग हो गई, फ्रंट एक्सल हो गया, फ्रंट बम्पर हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ से पीछे की बात करें तो दोस्तों ये अपना वही है 485 वाला सिंपल साइड गियर। साइड गियर तो खैर 557 सब में आते हैं ज़्यादातर, लेकिन अपना बीच का जो गियर बक्स का डिज़ाइन है वो भी, पीछे के हिस्सा का डिज़ाइन भी, वो अपना जो ना सारा सारा वही है 485 वाला। तो आप बोल सकते हैं आगे से 557 और पीछे से 485 या नॉर्मल वाला 551 है। दोस्तों इंजन की बात होगी, अब उसके बाद करते हैं ट्रैक्टर के गियरबॉक्स की। इसमें दोस्तों आपको 8 फॉरवर्ड मिलते हैं और 2 मिलते हैं रिवर्स, तो टोटल इसमें 10 स्पीड वाला आपको गियरबॉक्स मिलता है। सिंगल और ड्यूअल क्लिच दोनों का आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे सुपर प्लस की बैचिंग मिलती है। दोस्तों मैं जो ना आपको ट्रैक्टर के ऊपर ऊपर से और दिखा दूँ, लेकिन दोस्तों मुझे जो ना क्या कमी लग रही है ट्रैक्टर में, जो आप वो साइलेंसर देख रहे हैं ना दोस्तों, सारे लुक को बेकार करता है इतना मोटा साइलेंसर ये। दोस्तों ऊपर से बैठने पर कुछ अपना ऐसा लगता है ये। दोस्तों स्टीयरिंग में जो ना काफ़ी चेंज का ऐसा सारे मॉडल में छोटे छोटे स्टीयरिंग कर दिए गए हैं और दोस्तों यहाँ पे घुमाने के लिए मिलता है, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ है। पहले जो ना काफ़ी बड़े स्टीयरिंग आते थे जो ट्रैक्टर के लुक को बेकार करते थे। और दोस्तों सीट में जो ना कंपनी ने काफ़ी चेंज किया है, सीट जो ना सीट की हाइट अब थोड़ी ऊँची कर दी गई है, तो आपको लेफ्ट मिलता है लोअर हाई वाला लीवर है और राइट में मिलता है आपको 1 2 3 4 रिवर्स का, तो वही हो गया 10 स्पीड वाला आपको इसमें गियर बॉक्स मिलता है। 10 स्पीड में 8 फॉरवर्ड हैं, 8 आगे की तरफ हैं और 2 हैं पीछे की तरफ। तो दोस्तों मुद्दे को आप देख सकते हैं, ये ड्राफ्ट लीवर है, पोजिशन लीवर है, लेकिन दोस्तों ये जो ना उल्टे करके लगा दिए गए हैं। दोस्तों उल्टे हैं आप देख सकते हैं, ये दोस्तों कंपनी की गलती है, फिट करती बार गड़बड़ हो गई है। ये दोस्तों लीवर जो ना उल्टे लगा दिए गए हैं। और दोस्तों अगर हम इसकी पीटीओ की बात करें तो दोस्तों इसमें वही है, आगे की तरफ आपको 540 मिलते हैं और पीछे की तरफ मिलते हैं इसमें आपको मल्टी स्पीड, हर गियर में जो आपको पीटीओ की स्पीड मिलती है वो आपको इसमें पीछे की तरफ मिलती है। और दोस्तों साइड में मिलता है इसमें आपको चार्जिंग बॉक्स मिलता है, ये देख सकते हैं दोस्तों। सिर्फ आपको इसमें जो ना अपना जो डाटा केबल होता है वो लगाना है और यहाँ पर फ़ोन रख देना है, आपका फ़ोन चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी दी हुई है इसमें। तो दोस्तों अब ट्रैक्टर की बात करते हैं पीछे की जो फाइनल ड्राइव होती है। दोस्तों फाइनल ड्राइव जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ट्रैक्टर में। उससे पहले लिफ्ट की बात करें तो दोस्तों इसमें जो है ना आपको 1850 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है, लेकिन जो सिंपल 551 है उसमें मिलती है आपको 1700 की, इसमें आपको 150 किलो की ज़्यादा लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है। और ये मैंने आपको पीटो के बारे में बताई दिया, 540 भी हैं और मल्टी स्पीड भी है। लिफ्ट सेंसिंग आपको 3 स्लॉट मिलेंगे, ज़्यादा सेंसिंग चाहिए सबसे नीचे वाले में, कम चाहिए बीच वाले में, और सबसे ही कम सेंसिंग चाहिए तो आप सबसे ऊपर वाले में लगाइए।
तो दोस्तों बात करते हैं ट्रैक्टर के फाइनल ड्राइव की। तो दोस्तों इसमें जो ना स्ट्रेट एक्सल आता है, अपना देख सकते हैं आप, स्ट्रेट एक्सल के साथ इसमें आता है दोस्तों फुल गियर सिस्टम, 557 और 650 में आता है लेटनी ड्राइव या फिर EPI वाला। लेकिन ये है स्ट्रेट एक्सल वाला, स्ट्रेट एक्सल तो उसमें भी आता है लेकिन उसका एक्सल जो ना बड़ा होता है, मोटा होता है, तो उसमें होता है अपना वही EPI या प्लेटनी ड्राइव सिस्टम, लेकिन ये है फुल गियर वाला सिस्टम। तो दोस्तों इसे जो ना आप यहाँ पे QRC कपलर लगा सकते हैं, कंपनी ने लगा के नहीं दिया है इसमें। दोस्तों टॉप मॉडल नहीं, टॉप मॉडल से थोड़ा नीचे वाला है, बाकी जो टॉप मॉडल आता है उसमें आपको ये मिलता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों मैंने जो ना दोनों ट्रैक्टर की जो 551 सुपर प्लस है और जो सिंपल वाला है प्राइमा G3 वाला है, दोस्तों दोनों का ही कंपनी ने टॉर्क मेंशन नहीं किया हुआ था। तो दोस्तों अगर आपको टॉर्क पता है तो मुझे टॉर्क ज़रूर बताना। तो दोस्तों मैं ट्रैक्टर की जो ना आपको SFC और दिखा दूँ एक बार। दोस्तों जो ट्रैक्टर की SFC है ना वो दोस्तों 195 ग्राम की है पर HP पर मिनट, 195 की दोस्तों ट्रैक्टर की SFC है 551 सुपर प्लस। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों कुछ कमी रह गई तो भी बताना। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।